IPL 2023 के रिटेंशन विंडो में कोलकाता नाइट राइडर्स डिड सम शॉकिंग ट्रेड्स और शार्दुल ठाकुर को पौने 11 करोड़ की रकम के साथ साथ लोकी फर्गसन को भी 10 करोड़ की रकम में उन्होंने अपनी टीम में ट्रेड कर लिया फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स एंड गुजरात टाइटंस। और अब IPL 2023 से पहले उनके फैंस का सवाल यह है कि महज 7 करोड़ की रकम में कोलकाता नाइट राइडर्स आखिर ऑक्शन में क्या करेगी और कोलकाता नाइट राइडर्स के वो कौन से टारगेट प्लेयर्स होंगे जो कि वो रियलिस्टिक अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो पब्लिक की डिमांड पे मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूं 5 ऐसे खिलाड़ी जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स रियलिस्टिकली अपनी टीम में शामिल कर सकती है और कुछ ऐसे गैप्स जो कि उनकी टीम में बने हुए हैं उनको भरने की कोशिश यहां पर कर सकती है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं एक चीज पहले से आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जितना पर्स बचा हुआ है उससे सारे गैप्स भरना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम नहीं कि ऑक्शन के डायनामिक्स किस तरीके से बदलेंगे। कोई टीम किसी प्लेयर के पीछे पड़ जाएगी तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और कोई छोटा प्लेयर भी हो सकता है और बड़ा प्लेयर भी हो सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जो 7 करोड़ रुपए बचे हैं उसमें से 11 स्लॉट्स उनको अभी फिल करने हैं, जिसमें से 3 ओवरसीज स्लॉट भी हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह आसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द प्लेयर्स लिस्ट। नंबर 1 प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर टारगेट करना चाहिए इन द आईपीएल 2023 ऑक्शन इज इंग्लैंड बैट्समैन फिल सॉल्ट। अब फिल सॉल्ट का नाम कोलकाता नाइट राइडर्स की हर वीडियो में मैं तकरीबन ले चुका हूं, और उसके पीछे वजह यह है कि उनके पास अच्छा विकेट कीपर और उसके साथ साथ टॉप 3 में अच्छा पेस हिटर बल्लेबाज नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज को उन्होंने जरूर ट्रेड किया है गुजरात टाइटंस से, लेकिन रहमानुल्लाह पेस को आगे की गेंद पर अच्छी खेलते हैं, लेकिन जब जब बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है तो रहमानुल्लाह गुरबाज को भी परेशानी होती है। प्लस ही इज वे टू यंग फॉर आईपीएल, अभी भी उन्होंने डेब्यू नहीं किया है आईपीएल में। तो आप एक ऐसा बल्लेबाज लेकर के आना चाहते हो जिसको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है और थोड़ा बहुत वो खिलाड़ी युवा भी है, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा युवा है और बैक ऑफ लेंथ पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं, और जैसे जैसे आईपीएल का एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे और बेहतर होते चले जाएंगे। अब ये खिलाड़ी अगर आपको नहीं मिलता, बिकॉज इनके पीछे भी कुछ फ्रेंचाइजीज जा सकती हैं इनको बैकअप विकेट कीपर के तौर पर देखते हुए, और आप 2-3 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो आपको फिर रैसी वनडे डुसियन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आपको भले ही वो विकेट कीपिंग करके नहीं देते हैं लेकिन वो ओपनिंग के साथ साथ नीचे के लोअर मिडिल ऑर्डर में भी आपको बल्लेबाजी करके दे सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। हेनरिक क्लासेन की तरफ भी आप देख सकते हो, वो भी आपको टॉप ऑर्डर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई एक खिलाड़ी पिक करना हो तो बैटिंग और कीपिंग स्किल्स की बदौलत आपको फिल सॉल्ट को पिक करना चाहिए। सेकंड प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स को पिक करना चाहिए इन द आईपीएल मिनी ऑक्शन इज एंड्रू टाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब पिछले साल एंड्रू टाई लखनऊ सुपर जायंट्स में मार्क वुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, लेकिन इस बार एलएसजी ने उन्हें रिलीज कर दिया है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स अगर एक एक्सपीरियंस डेथ बॉलर चाह रही है तो वो एंड्रू टाई की तरफ देख सकते हैं। अब अगर आप कंपेयर करो बाकी टीम्स के साथ तो एंड्रू टाई आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं करते हैं, बट अगर आप एक्सपीरियंस चाह रहे हो, सस्ता प्लेयर चाह रहे हो, तो आप एंड्रू टाई की तरफ भी देख सकते हो। लोकी फर्गसन आपके पास हैं जो कि किसी दिन डेथ में बिल्कुल अपनी बॉल को आग बना देते हैं, आग का गोला बरसाते हैं बल्लेबाजों के ऊपर, और कभी कभी वो बहुत ईजिली छक्के कंसीड कर देते हैं, तो वो एक परेशानी आपके साथ है। देखना होगा टिम साउदी किस फॉर्म के साथ आते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, क्योंकि छोटे ग्राउंड में भारत में उनको भी आप बिल्कुल फोकस्ड उन पे बॉलिंग अटैक नहीं बना सकते। उमेश यादव डेथ में गेंदबाजी कर नहीं सकते, और मेरा ओपिनियन यह है कि रसल को भी आप जबरदस्ती डेथ में परेशान ना करो। शार्दुल ठाकुर का भी इकॉनमी पिछले साल बहुत ज्यादा हाई था, डेथ ओवर में 10 के आसपास का था, तो एंड्रू टाई को आप कम से कम एज अ बैकअप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। और अगर वो आपको नहीं मिलते तो मे बी आप केन रिचर्डसन की तरफ देख सकते हो, मैट हेनरी एक ऑप्शन है न्यूजीलैंड का, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, या फिर आप किसी युवा तेज गेंदबाज की तरफ भी देख सकते हो, लेकिन हो सकता है युवा तेज गेंदबाज थोड़ा सा आपको यहां पर महंगा पड़े, ऐसे में एंड्रू टाई की तरफ यहां पर जरूर देखा जा सकता है। थर्ड प्लेयर जिसकी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स देख सकती है इन द आईपीएल 2023 इज लेफ्ट आर्म सीम बोलर जयदेव उनादकट। अब जयदेव उनादकट पहले तो आईपीएल में काफी महंगा बिका करते थे, और पिछले साल मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे, रेगुलर फीचर कर रहे थे उनकी प्लेइंग 11 में, और अगर आप उनके डोमेस्टिक के आंकड़े उठा करके देखो तो काफी ज्यादा शानदार है। प्लस कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म सीमर नहीं है, तो अगर आपको बाई चांस ये सस्ते मिल जाते हैं, 50 लाख इनका बेस प्राइस है, अगर आपको 1 करोड़
करोड़ तक मिलते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इन्हें तुरंत उठा लेना चाहिए, बिकॉज इनके पास वो लेफ्ट आर्म एंगल है, नए बॉल से आप इनसे गेंदबाजी करवा सकते हो, एक आधा ओवर मिडिल ओवर में आपको करके दे सकते हैं, थोड़ा सा चेंज भी आएगा आपकी पेस बॉलिंग में और उसके साथ साथ अनुभव के साथ साथ थोड़ी बहुत ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं तो आपकी बैटिंग डेप्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि आप एक आध चौका लगा दो या एक आध छक्का लगा दो, एक एंड पकड़ करके खड़े रहो, तो वहां पर भी जयदेव उनादकट आपके काम आ सकते हैं। और ये एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिस पर मुझे लगता है केकेआर को जरूर बोली लगानी चाहिए। फोर्थ प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स टारगेट कर सकती है इन दी आईपीएल 2023 ऑक्शन इज जेम्स नीशम फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब जेम्स नीशम आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि रसल का बैकअप इस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उनकी फिटनेस को आप बहुत ज्यादा उन पे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, उनकी फिटनेस आपको कभी भी धोखा दे सकती है, प्लस पीछे बहुत ज्यादा रन बनाकर भी वो नहीं आ रहे। लेकिन लेट्स फेस इट, आंद्रे रसल की क्लास और आंद्रे रसल का एक्सपीरियंस, रसल की पावर का कोई भी बैकअप आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपको मिले अपने बजट के हिसाब से उसको आप फटाफट से पकड़ लो, और जेम्स नीशम को खरीदना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बेहद ही मुश्किल होने वाला है। ऐसे में हो सकता है कि शायद आप ओडेन स्मिथ की तरफ देखो, उनको भी आप नहीं खरीद पाओगे, होल्डर को तो भूल ही जाओ, उनकी तरफ तो बोली लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपने अपने लिए वो गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। तो आप यहां पर फिर क्या करोगे, क्या आप बेन कटिंग की तरफ देखोगे? एक बार आपने उनको खरीदा था 2021 के सीजन में, पूरे सीजन बेंच गरम करवाई थी, 36 साल उनकी उम्र है, क्या आप उनसे कुछ फायदा निकलवा पाओगे? क्या मोइज़ेस एनरिकेस की तरफ आप जाओगे? यही दो चार सस्ते ऑप्शन हैं जो कि काफी ज्यादा उम्र दराज हैं, नीशम को खरीदना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आंद्रे रसल का बैकअप आपको बनाना है तो मेरे हिसाब से आप गेंदबाज या ऑलराउंडर छोड़ करके किसी बल्लेबाज की तरफ भी देख सकते हो, और एक बार फिर से अगर नीशम आपको नहीं मिलते तो रैसी वेंडर डुसेन को आपको फटाक से अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्लेयर जिसकी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर बोली लगानी चाहिए इन दी आईपीएल 2023 ऑक्शन इज विकेट कीपर बैट्समैन नारायण जगदीशन। अब नारायण जगदीशन ने जिस तरीके का खेल दिखाया है विजय हजारे ट्रॉफी में, क्या आपको वो आसानी से मिल जाएंगे? इसके इम्कानात बहुत ही कम, इसके चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में केएस भरत की जो केकेआर के फैंस बात कर रहे हैं, देखिए बहुत बहुत ही मुश्किल होने वाला है। केएस भरत मोस्ट प्रोबेबली 4-5 करोड़ तक तो कुछ ना कुछ करके जाने ही वाले हैं। ऐसे में आप अगर उनकी तरफ हाथ ना डालो तो बेहतर होगा अपने बैकअप ऑप्शंस पहले से तैयार रखो, क्योंकि ओवरसीज विकेट कीपर के साथ साथ एक भारतीय विकेट कीपर को आपने अपनी टीम में शामिल करना ही है कुछ भी करके, और नारायण जगदीशन भी शायद आपके हाथ ना लगे। तो आपको यहां पर करना क्या है, क्या आप विष्णु विनोद की तरफ देख सकते हो, उनको आप अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हो, वरना एक बार फिर से आपको शेल्डन जैक्सन, इंद्रजीत ऐसे ही खिलाड़ियों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बजट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप विकेट कीपर इंडियन बैट्समैन नहीं खरीद पाते अच्छा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फटाफट से एक लेग स्पिनर अपनी टीम में शामिल कर लो। अब क्या आप श्रेयस गोपाल, मार्कंडे मुरुगन की तरफ जाओगे? मेरे पास एक आइडिया है, आप पीयूष चावला की तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि आपको उन्होंने 14 मैच तो खिलाने नहीं है, आपके पास चक्रवर्ती नारायण ऑलरेडी है और वो भी कौन से बहुत यंग है, तो आप पीयूष चावला को शामिल कर सकते हो। बहुत समय तक उन्होंने केकेआर की सेवा की है, बहुत समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में रहे और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, तो पीयूष चावला की तरफ भी ये टीम देख सकती है एज ए लेग स्पिनर, लेकिन इनकी पहली प्रायोरिटी एक इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए। देखिए एक बात तो तय है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स को देखते हुए आप चाहे जितनी ज्यादा स्ट्रेटजी बना दो या जितना भी खिलाड़ियों को टारगेट कर लो, आपको सामने वाली टीम के डायनामिक्स, ऑक्शन डायनामिक्स और उसके साथ साथ सभी के प्लानिंग पर डिपेंड रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर सामने वाली टीम ने, सामने वाली जो फ्रेंचाइजीज होगी वो किसी भी खिलाड़ी पर 3 बार बोली लगा देती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उस खिलाड़ी को जाने देना होगा। तो जो भी फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन आपको मिले आपके बजट में, फटाक से उसको अपनी टीम में शामिल कर लो। बैकअप्स के बारे में या किसी बड़े प्लेयर के बारे में बहुत ज्यादा केकेआर को दिमाग नहीं लगाना चाहिए इन दी ऑप्शन। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से इस छोटे से पर्स में केकेआर किसको टारगेट कर सकती है। आपका जो भी ओपिनियन हो कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, और भी जिन टीम्स का छोटा बजट है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।